नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैंट रोड स्थित जनता दर्शन हॉल में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत आंचल बद्री गाय घी, पहाड़ी घी, ऑर्गेनिक घी, पनीर डेयरी ग्रोथ सेंटर और दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों का ई लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों को दुग्ध उत्पादों से निर्मित पौष्टिक आहार का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों की मजबूती के लिए प्रयास करने होंगे। प्रदेश भर में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लालकुआ के वार्ड नंबर 1 के हॉस्पिटल रोड को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया है, जबकि प्रशासन ने गुरुवार को गोरा पड़ाव के हाथीखाल क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया था। यहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन की टीम द्वारा अभियान चलाकर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों की कोरोना की जाँच की जा रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन को भी तेज किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रशासन द्वारा नगर के वार्ड नंबर 1 में इंटर कॉलेज गेट से जगदीश अग्रवाल की दुकान तक के क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कोरोना जांच के साथ ही उनसे संपर्क में आए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके अलावा गुरुवार को घोषित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन हाथी खाल गोरा पड़ाव में सैंपलिंग कराकर कोरोना जांच के लिए भेजी गई है। हाथी खाल में हरिपुर केशवदत्त गाँव है, तो वहाँ भी कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहाँ भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। आज वहाँ पे सैंपलिंग भी की गई है। और अब जहाँ पे जैसे जैसे ये हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोई अगर ऐसा कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, कहीं माइक्रो बनाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से फिर उसमें सैंपलिंग की जाएगी और सैंपलिंग के माध्यम से देखना है कि कितना स्प्रेड हो रहा है, और फिर सैंपलिंग के बाद जैसी रिपोर्टें नेगेटिव आती हैं तो फिर इनको खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी 2022 चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उभरती हुई आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर अपने कार्यकारिणी का विस्तार शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी और पौड़ी लोकसभा प्रभारी शशि मोहन कोटनाला ने पौड़ी में जिला कार्यकारिणी विस्तार करते हुए एक बैठक की, जिसमें पौड़ी के वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच के कई पदाधिकारी सम्मिलित हुए। लोकसभा प्रभारी शशि मोहन कोटनाला ने बताया कि पौड़ी के नागरिक कल्याण मंच के लोगों से बैठक काफी सार्थक रही। उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोग बुद्धिजीवी हैं और सामाजिक कार्यों में पहले ही शामिल हैं। कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संगठन के महासचिव धीरज थापा ने कहा कि हमारे 22 सैनिक शहीद हुए हैं और हम सबकी मांग है कि आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की न हो सके। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि ये बड़ी दुखद घटना है और हम शहीदों को शत शत नमन करते हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर दोषियों को दंड दिया जाए। सभा में पूर्व मंत्री सुखवीर सिंह सजवाणा और अन्य लोग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले पर हमारे देश के जवान जब ऑपरेशन करके लौट रहे थे तो नक्सलियों ने धोखे से उन पर हमला किया, जिसमें हमारे 21 जवान शहीद हो गए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी शहादत के लिए पूर्व सैनिक संगठन देवभूमि महिला कल्याण उत्थान समिति और ग्रामीणों की ओर से एक कैंडल मार्च निकालकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित की गई, और कैंडल मार्च के पश्चात 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही एक मांग की केंद्र सरकार से, गृहमंत्री जी से, रक्षा मंत्री से, कि जो इसके पीछे दोषी लोग हैं, जो नक्सली है, उनके खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके और हमारे सैनिक सकुशल रहें और हमें भी सकुशल रख सकें। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के पास गंगा में कोई चीज तैरती हुई दिखी। लोगों ने पास जाकर देखा तो एक लाश थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश निकाल कर देखा तो 40 से 50 साल की उम्र के एक अधेड़ व्यक्ति की लाश थी। लाश की हालत बहुत ही खराब थी, जिसके पानी में सड़कर गल गई थी। पुलिस ने तुरंत उसको एम्स में भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद ही अब पता चल पाएगा मौत की वजह क्या थी।
सरकारी योजनाओं को किस तरह पलीता लगाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण रुड़की के गांव लाठर देवा में देखने को मिलता है, जहां एक परिवार पिछले लंबे अरसे से सरकारी योजनाओं की ताक में आंखें लगाए बैठा है। परिवार इस हाईटेक दौर में कच्चे मकान और बिना शौचालय के जीवन जीने को मजबूर है। सरकारी सेवा दिलाने के अवज में इस मजबूर परिवार से ग्राम प्रधान ने कुछ धनराशि भी ली है। बावजूद इसके आज तक सरकारी लाभ इस परिवार के दर तक नहीं पहुँच पाया है। इस परिवार को आज तक आवासीय योजना वाला मकान और हर घर शौचालय वाली योजना का शौचालय भी नहीं मिल पाया है। ये परिवार कच्चे मकान में बिना शौचालय के जीवन जीने को मजबूर है। परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चे शौच के लिए जंगल का रुख करने के लिए भी मजबूर हैं। साथ ही बरसात के दिनों में बच्चे मकान में बड़ा हादसा होने का डर भी उन्हें लगातार सताता रहता है। नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी पुलिस ने नशे के कारोबार और उसका सेवन करने वाले 40 लोगों को धर दबोचा है, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। ऑपरेशन व्रजपात के तहत पुलिस की अलग अलग 6 टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए नशेड़ियों और नशे के सौदागरों को चिन्हित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई, इन सभी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और इनकी काउंसलिंग भी की गई है और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की हिदायत देते हुए उन्हें शपथ भी दिलाई गई, जिसके बाद सभी को के परिजनों को उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। सीओ प्रमोद शाह ने बताया कि पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि लगभग 1 दर्जन स्मैक सप्लायर बरेली, बहेड़ी और रामपुर के रहने वाले हैं, जो यहां स्मैक की सप्लाई करते हैं। अब पुलिस जल्द ही उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, पिछले दिनों जो स्मैक को लेकर बड़ी सूचनाएं प्राप्त हुई, नैनीताल पुलिस ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वर्तमान में हम स्मैक के कारोबार के विरुद्ध ऑपरेशन वज्रपात चलाए हुए हैं। इसके तहत एक एक नशे को पीने वाले को, नशे के कारोबार को करने वाले को चिन्हित किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि इस नशे का समूल नाश होगा। पिछले हफ्ते हमने 20 लोगों को इस क्रम में नशा करने वालों को चिन्हित कर काउंसलिंग के लिए लाए थे और आज सुबह सुबह पुलिस की 6 टीमों द्वारा 40 लोगों को, जो कि नशे की गिरफ्त में है, उन्हें लाकर समझाकर और उनके मुचलके भर के कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने आप पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जुगरान ने बीजेपी विधायक खजान दास द्वारा उठाए गए मास्क खरीदने मामले में बाजार भाव से 3 गुना रेट पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदने पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि बीजेपी के राज्य में कई भ्रष्टाचार हुए और अब मास्क खरीद घोटाला भी सामने आया है, जिस पर खुद राजपुर विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री के सामने ही कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए भ्रष्टाचार होने के संकेत दिए हैं और इसकी जांच की मांग मुख्यमंत्री से की है, जो कोरोना काल में हुए बड़े मास्क घोटाले की ओर इशारा करता है। अन्नदाता पहले आंदोलन की आग में झुलसा और अब अपने खेतों में खड़ी फसल की आग में झुलस रहा है। पिछले एक सप्ताह से काचीपुर क्षेत्र के किसानों की खड़ी फसल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हो गया है। झुलसा किसान पहले केंद्र सरकार से अपने अधिकारों के लिए मिन्नतें करता रहा, वहीं अब विद्युत के फसलों के नुकसान के लिए मिन्नतें कर रहा है। वहीं विद्युत विभाग का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते फसल में आग लगी थी। लगातार चल रही हवा से झुलसती विद्युत लाइनों पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं किसान अब इसके लिए विद्युत विभाग से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। लाइन के नीचे जो खेती हो रही है, उसमें स्पार्किंग के कारण आग लग जा रही है, भीषण गर्मी ऊपर से हो रही है और मल्ला ये है कि किसान का ध्यान गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं दे रही है। बॉर्डरों पे 4-4 महीने से, 4.5-5 महीने से किसान बैठा हुआ है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 कानून पहले थोप दिए गए किसान के ऊपर, आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ खेतों में भीषण गर्मी के कारण हाई टेंशन में जब पार्किंग होती है तो उससे आग लग जाती है। अभी हमने सभी लाइन स्टाफ को, मैंने मतलब 3-4 दिन पहले ही सबको मीटिंग लेके मैसेज दिया है कि जितनी भी इस तरह की लाइन है टाइट कराएँ और जंपर जहाँ भी लूजेंगे जंपर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हवा आजकल जो अप्रैल का मंथ महीना होता है हमारे लिए काफ़ी टफ होता है, उसमें क्या हवा चलती है और हवा में टकराने से कहीं अगर लाइन लूजिंग होगी तो टकराने से चिंगारी निकलेगी, वो फसल को नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए हमने टाइट करने के लिए और जो भी फिलहाल निस्तार मतलब सोल्यूशन हो सकता है जंपर टाइट करने कहीं भी, और बाकी हमने प्रस्ताव भी तैयार करने के लिए कहा है कि कहीं भी अगर खंभे लगाने की जरूरत है तो खंभे भी लगाएं।
मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र के पास एक बार फिर जंगलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। वहीं जंगल से आग अब शहर की ओर भी बढ़ने लगी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मसूरी के पास पर्यटक स्थल कैंपटी के पास जंगल की जगह लगी आग अब कैंपटी शहर की तरफ पहुंच रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई बार जंगल में लगी आग को लेकर उनके द्वारा स्थानीय प्रशासन, फायर सर्विस और वन विभाग को भी सूचना दी गई है, लेकिन इस दिशा में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, जिससे लोग परेशान है। वहां जिस तरीके से जंगल से आग शहर की ओर बढ़ रही है, उनके मकान भी अब खतरे की जद में आ गए हैं। सर, पता नहीं किसने लगाई आग, अब कहां से आई आग, कैसे लगी, और मतलब कि हमारे घर तक पहुंच गई सर, अभी तक कोई नहीं पहुंचा इधर। अच्छा, आपने फोन किया था फायर ब्रिगेड वालों को? सर किया है फोन भी, पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। पता नहीं अब ये आग तो आ गई इधर ही घर के आस पास आ गई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तक कोई नहीं आया सर। मसूरी SDM मनीष कुमार ने सरकार की कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस को लेकर मसूरी के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। SDM ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं, जिसको लेकर सभी को सजग रहने की जरूरत है। SDM ने मसूरी व्यापार मंडल के दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।